गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या है, आपको कोई कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एफ एक्स क्या गिवन है, ये है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू के। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफ जीरो कितना है, एफ जीरो इज इक्वल टू के। तो एफ ऑफ एफ जीरो इज इक्वल टू के गिवन इक्वेशन, इसको क्या मान लेना आप, वन। नाउ दिस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो हैव टू चेक एट जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अलग से लिमिट लगा दोगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। तो ये हमारे पास प्लस वन में हमने लिमिट्स वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंड टू जीरो ये फॉर्मूला हो गया कितना, वन। और एक्स के साथ यहाँ से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, एक्स की वैल्यू जीरो फिल करोगे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन और वन कितना आ गया, टू। तो एफ फंक्शन हमें क्या है, नाउ फंक्शन हमें क्या है, कंटिन्यूस क्या है, ये गिवन है, फंक्शन हमें कंटिन्यूस क्या है गिवन है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो। क्लियर, एफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो। एफ ऑफ जीरो कितना गिवन है आपको, के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, टू। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टू आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, f x आपको कंटिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू वन पे, वन पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। आपने फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन क्या गिवन है, 3ax plus b, x greater than 1, x is equal to 1 पे 11 है, x less than पे 5ax minus 2b है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम x पे चेक कर रहे हैं, हम किस पे चेक कर रहे हैं, x is equal to 1 पे हम क्या कर रहे हैं, चेक। तो लेफ्ट क्या बन जाएगी, x कहाँ पे लेफ्ट बनेगी, जहाँ x less than 1 होगा, तो ये हमारी कौन सी लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, x less than 1 लिमिट, लिमिट x tends to 1 एफ ए एक्स माइनस टू बी। तो यहां पर आप पुट करोगे लेफ्ट के लिए x इज इक्वल टू पुट करोगे 1 माइनस एच एज एच टेंस टू 0, एच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू यहाँ 1 फिल होगी, 1 के साथ 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5 ए एक्स की वैल्यू फिल कर दी 1 माइनस एच माइनस टू बी, 5 ए माइनस 5 ए एच माइनस टू बी, यहाँ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जहां आ जाएगा 5 ए माइनस टू बी। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ होगी, जब एक्स के हम राइट में जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन क्या है, वन, यहाँ ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, 3ax plus b, यहाँ पुट करोगे x इज इक्वल टू 1 plus h, as h tends to क्या हो जाएगा, 0, तो 3a, x की वैल्यू 1 plus h plus b, तो 3a plus 3ah plus b, तो h की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 0, यहाँ आप लिमिट लगाओगे, लिमिट क्या लगाओगे, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 फिल करोगे तो आ जाएगी आपके पास 3a plus b, 3a plus b, f of 0 is, sorry, f of 1 is equal to 11, ये आपको क्या है, गिवन है। नाउ साथ में हमें क्या दिया है, fx is continuous which is given, ये fx हमें continuous क्या है, गिवन है। अगर कोई फंक्शन continuous होएगा तो वो continuity की कंडीशन क्या करेगा, होल्ड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट आई है आपकी 3a प्लस b, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, 11। क्लियर, ये आपको गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ एफ 1 आएगी, क्या आएगी, एफ 1, फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू, फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गिवन है, यहां पर क्या आ जाएगी, सीधे लिख लो बस, जरूरत नहीं, एफ 1 कितनी आ जाएगी, 11। उसके बाद देखिए एफ ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 11, 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 11,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास ए की और बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 2। इस तरह से आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। एफ एक्स आपको गिवन है √5x+2 − √4x+4 डिवाइडेड बाई x − 2। एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या है वैल्यू के। तो आपको फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूस, आपने क्या फाइंड करना है के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे f of 2 आपको गिवन है के, दैट इज गिवन। तो फर्स्ट ये हो जाएगा आपका, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे f(x)(5x+2 − 4x+2 − 4, sorry, x − 2, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 2। तो देखिए x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पर 2 फिल करते ही डिवाइड में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्या बन रहा है, 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x − 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा ताकि डिवाइड से 0, डिवाइड में 0 ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस है इन दोनों के, जहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे 5x+2 + 4x+4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। जहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वाली टर्म से इस पूरी टर्म को 5x+2 + 4x+4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a − b a + b, क्या बन जाएगा a² − b²। तो इसका स्केयर रूट कैंसिल होकर 5x+2 बन जाएगा, इसका स्केयर रूट कैंसिल होकर 4x+4 बन जाएगा। अब देखिए इसका बाहर ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड में माइनस है तो साइन क्या हो गए, चेंज। तो 5 − 4x यहाँ आ जाएगा आपका x, और 2 − 4 − 2, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2। तो x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2 है, तो 2 फिल करोगे, 2 5 10 10 और 2 12, 2 5 10 और 2 12। फिर जहां फिल करोगे 2 4 8 8 और 4 12, तो 12 रूट क्या जाएगा 12, और 1/√। तो ये इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, 1/√12 आ जाएगा। तो फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूस, ये आपको गिवन है। तो ये कंडीशन हो जाएगी एफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की, क्या कंडीशन होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स x टेंड्स टू ए, ये कंडीशन होती है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x टेंड्स टू 2। तो इस के की वैल्यू क्या है, 1/√12 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4√3 आ जाएगी, 4√3 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है sin x/(x+cos x, x>0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2, x < 0 पे है 4, 1 − √1 − x/(x)। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या करना है, चेक करना है। तो लेफ्ट 0 के लेफ्ट में क्या हो जाएगी, ये है x < 0, ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x → 0, 4 1 − √1 − x/(x)। तो हम यहाँ पर लेफ्ट में हम क्या पुट करते हैं, x = a − h, तो a की वैल्यू यहाँ 0 है, तो x की वैल्यू फिल हो जाएगी x = 0 − h, as h → कितना हो जाएगा 0, h → क्या हो जाएगा 0। तो 4 1 − 1 − x की वैल्यू फिल कर दी 0 − h, तो ये बन जाएगा 4 1 − 1 + h, और जहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 0 − h, यहां से कितना आ जाएगा −h। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू अगर 0 फिल करते हैं तो डिवाइड में हमारा 0 आ जाता है, और डिवाइड में से 0 आना नहीं चाहिए, इसको हमने क्या करना है, रिमूव। तो कैसे करेंगे, +1 + √1 + h से मल्टीप्लाई और इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। आपके पास एक 1 + √1 + h से मल्टीप्लाई और क्या कर लिया आपने, डिवाइड कर लिया, और इसके बाद है सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा, देखिए वहां से हमारे पास मेथड हो जाएगा a² − a + b². देखिए उसका 1 + h का स्केयर रूट है, उसके स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 का स्केयर 1 माइनस। अब देखिए ये डिवाइड में ये आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ लिमिट x → 0, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो गया, चेंज, माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल।
माइनस एच, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका माइनस फोर एच डिवाइडेड बाय माइनस एच ब्रैकेट वन प्लस वन, वन प्लस रूट वन प्लस एच, और यहाँ एच के साथ एच कैंसिल, माइनस के साथ माइनस, एच की वैल्यू आप क्या फिल करोगे, जीरो। वन का स्क्वायर रूट क्या हो गया, वन, वन और वन कितना हो गया टू, और फोर, फोर डिवाइडेड बाई टू, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। सॉरी ये आपकी कौन सी लिमिट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी बेटा, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो बाय मिस्टेक लिमिट राइट हैंड लिमिट भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी टू। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स आपके पास। अब उसके बाद यहाँ फिल करोगे, एक्स पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच एज एस टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू फिल करोगे जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच या साइन एच ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो प्लस एच एच ही हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स की जगह फिल करोगे जीरो प्लस एच, तो क्या बन जाएगा कॉस एच, कॉस एच। उसके बाद क्या करोगे, अलग अलग लिमिट अलग अलग कर दोगे, साइन एच डिवाइडेड बाई एच एस टेंस टू जीरो, कॉस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो साइन एच बाई एच कितना हो गया वन, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, वन और वन कितना आ गया टू, तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। सो देखिए हमारी राइट हैंड लिमिट भी टू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ गई, और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू है जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो पे वो भी कितना दिया है टू, तो कहने का मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूज हो गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।